बिल्ली का बच्चा है वहाँ से, जैसे छोटा सा बिल्ली का बच्चा है और इसको देखो उसको डरा रहा है। तो गुंडा हो गया क्या ये मैक्स? गुंडा गिरी वो फिर से आएगा, तो तीन चार बार जा चुका है, वो फिर से आएगा, इसके डर से चला जाता है। उसको देखो भाई साहब, मैक्स क्या है, मैक्स क्या है, देखो इसको इसको जाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 17th of March, 17th है ना? हाँ। आज है 17th of March और आज होलिका दहन है, तो आप सबको होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छोटी होली। छोटी होली तो यहाँ नहीं है तो होलिका दहन होता है, दिल्ली तरफ छोटी होली होता होगा। हाँ। और एडवांस में हैप्पी होली भी। और आज व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है, इस टाइम पे शाम के बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, और अब जाके हम लोग का प्लान बना है, काम वाम खत्म हुआ था कि चल के कहीं से, हाँ 3:10 हो रहा है, घूम के आते हैं कहीं से। तो हम लोग जा रहे हैं फिलहाल जू, तो बोकारो में एक अच्छा खासा बड़ा सा जू है, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, बहुत पुराना जू है लेकिन अब इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, पहले जैसा नहीं है, पहले मतलब अच्छा सा वेल मेंटेन्ड था लेकिन अब सारा मेंटेनेंस ख़त्म हो रखा है उसका। फिर भी हम लोग जा रहे हैं, देख के आते हैं। और जू के अलावा हम लोग को मंदिर भी जाना है, जगन्नाथ टेम्पल है और राम मंदिर है, ये सब जाएंगे घूमने के लिए, और सब घूम फिर के आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है। होली के बाद हमें वापस जाना है क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा काम है जो कि पेंडिंग है, तो बस अब टाइम हमारे पास कम बचा है। आज 17th है, कल 18th है, कल एक दिन बचेगा घूमने के लिए, फिर तो होली आ जाएगा और होली के बाद एक दिन बचेगा हमारे पास। हाँ। तो बस ऐसे ही कर करके हम लोग को घूम लेना है फटाफट। वैसे हम जू तो एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, ये तो हमने ऐसे ही बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, घूमना सेकेंडरी है। एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे बंदर की हायरिंग चल रही है। हाँ। तो बीच में जो बंदा बैठा हुआ है ना बनी, इसको हम लोग वहाँ पे ना सबमिट कराने जा रहे हैं, तो ये वहीं पे रहने वाला है। ही इज अ वेरी गुड क्वालिटी मंकी, तो वहाँ पे इसको तुरंत हायर कर लेंगे, बोलो तुरंत हायर करेंगे। और इसकी स्पेशलिटी भी है कि इसकी खिड़की खुली है ना, तो इजीली हायर करेंगे, ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए, तो इसको हम वहीं छोड़ के आएंगे और भैंस की हायरिंग में इसको डाल दिया जाएगा और एलिफेंट की हायरिंग में अविनाश को और क्रोकोडाइल की हायरिंग में दीदी को डाल दिया जाएगा। मम्मी के लिए कोई गलत नहीं बोलेगा, मम्मी को वापिस आना है। हम सबको जमा करा के मम्मी आएगी। और दीदी को क्रोकोडाइल क्यों बोला आपने? ऐसे ही लगा कि चलो मैच करती है क्रोकोडाइल से, तो बोल दिया। ये जगन्नाथ टेम्पल है, हम यहाँ पे आएंगे बाद में, अभी पहले हम जा रहे हैं जू अविनाश और बनी को जमा कराने। तुम्हें जमा कराएंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक उद्यान। जैविक उद्यान, सो ये है बोकारो का जू। आई होप कि खुला हो भाई, खुला है, लोग जा रहे हैं अंदर, स्वागतम भी कर रहे हैं ये लोग, निशुल्क पढ़ाओ। काश मैक्स को आने की परमिशन होती, लग रहा है। हाँ, पार्किंग में गाड़ी लगाया जब तुम लोग उतरे यहीं पे हम लगा गया। सो अभी अविनाश गए हैं वहाँ पे गाड़ी पार्क करने, गाड़ी पार्क करके आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। सो वी हैव एंटर्ड द जू और टिकट का प्राइस है यहाँ पे एडल्ट का 20 रुपया और चाइल्ड का 10 रुपया। मैंने बोला कि इसको जमा कराने आए हैं, तो बोला कि चलो ठीक है अभी टिकट ले लो, जब जमा करेंगे तो रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ की एक सबसे बड़ी बात क्या है कि टिकट यहाँ पे कार्ड से मिलती है, कार्ड से ही मिलती है, कैश से नहीं। और ये जो रिसीट निकलता है ना, इसके पीछे ही लिख देते हैं। मैं टिकट के लिए वेट कर रहा था पहले, क्योंकि टिकट लिख के मिलता था, अब इसमें इन्होंने लिख दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, पेपर बच रहा है और शांति है यहाँ पे। तो भाई साफ सफाई दिख रहा है मुझे, अंदर जाके देखना कि कितना मेंटेन्ड है कितना नहीं, पहले जैसा है कि नहीं। जानवर वगैरह कम होंगे तो ठीक है, एक आधा हम भी लेके आए हैं, जमा कर देंगे। इन्हीं के नाम पे है ये जू, जवाहरलाल नेहरू जी। और वहाँ पे एक्वेरियम है लेकिन वो बंद जैसा दिख रहा मेरे को। मोर अपना पंख फैला के कितना सुंदर लग रहा है। मेरा फोन गया। पंख फैला के वाइब्रेट भी कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी प्रेटी। मैंने तो पहली बार देखा, मैंने पहले भी देखा है लेकिन काफी टाइम बाद देख रहा हूँ।
करके यहाँ से करो ना। सोनू अच्छे से बेटा मेरे वाले मिलवा, मेरे में सिंगल कैमरा है ना। दिस इज टर्की, वहाँ पे मोर है, उसने फिर से पंख फैला लिया भाई। और ये बता रही हूँ ना, वो मोरनी को फंसा रहा है, मोरनी को फंसाने के चलते बार बार पंख। हाँ, और ये टर्की है देखो, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यार। पहली बार देखा मैंने टर्की को पंख फैलाए हुए। ये है, सबका अलग ही चल रहा है हिसाब किताब। आज मैं आई हूँ ना इसीलिए। यहाँ पे एक और बर्ड है बहुत सुंदर, रोजी पेलिकन लिखा हुआ है नाम इसका। ये बहुत पुराना है यार, बहुत टाइम से देख रहा हूँ। और इन छोटे छोटे बर्ड्स को देखो, एक टांग पे खड़ा है भाई, क्या कर रहा है, ध्यान मग्न किया हुआ है क्या? भक्ति में लीन है। एक टांग पे खड़ा है, बिल्कुल लीन है सही में, भक्ति में। और इन लोग, ये लोग बहुत सुंदर लगता है, बहुत पुराना है ये वाला ना मम्मी। ये इनका हवा चल रही है वहाँ पे, फैन वैन लगा, ये ऐसे हिल रहा है, हिलाता है। वो लोग खुद ही हिलाता है। अच्छा देखो, हाँ पहले बहुत ऐसे ऐसे। बस इसीलिए मैं तुम्हें सबमिट करने आया हूँ बंदर समझ के। इसके अंदर से क्यों निकल रहा है जाके? किरण का छोटा छोटा बच्चा है, कितना सुंदर लग रहा है, इसको देखो कितना क्यूट है। इसको देखो भाई साहब को, मस्त बैठा हुआ है, आराम से मजे ले रहा है ना। और वहाँ पे भी बहुत सारे हिरन के बच्चे हैं, देखो एक और हिरन का बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, मस्त बहुत सुंदर लग रहा है। इतना मतलब हिरन का बच्चा मैं पहली बार देख रहा हूँ। ब्लैक बक, ये देखो यहाँ पे कृष्ण मृग बोलते हैं इसको, ब्लैक बक है यहाँ पे। ब्लैक बक इसलिए नाम है क्योंकि शायद इनका जो सींग है वो ब्लैक है, इसलिए बहुत सारे हैं, वाइट भी है इसमें। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। ये वही है जो सलमान खान जिसको मार के वो नहीं गया था, केस हुआ था, ब्लैक बक। ये वही ब्लैक बक है, ये देखो। यहाँ से आप क्लोज व्यू देखो ताकि इसमें वो नहीं है। वेरी क्यूट, खाना खा रहे हैं सब। और इसमें एक देखो वहाँ पे प्रिंटेड वाला है, शेर है उधर, लेकिन दिखेगा कि नहीं पता नहीं, पूरा तो जंगल ही हो रखा है ये। पहले थोड़ा सा मेंटेन रहता था ये सब, लेकिन अब पूरा जंगल है। वहाँ पे पॉन्ड है, वो भी पूरा ऐसे ही मतलब अनमेंटेन पड़ा हुआ है। पहले बोटिंग होता था उसमें, अब नहीं होता। पहले तो आप बोल रहे हैं ट्रेन भी थी, हाँ वो टॉय ट्रेन थी एक, वो भी बंद है, हर चीज़ बंद है। वो वाओ कर रहा है कुछ है। ये बारह सिंगा है बैठा, एक देख लो ध्यान से, गाय जैसा लग रहा है कि गाय है, उसके सिर पे सिंह ऐसा लगा दिया किसी ने। पे देखो हिप्पोपोटामस है भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा हो गया है, पूरा कोल हो चुका है ये। नहीं आगा चलो इधर आओ जल्दी, मुंह दिखाई करो, काम खा रहा है ना। सब खाना खा रहे हैं इस टाइम, खाना खाने का सबका डिनर का टाइम है, हम लोग नहीं सॉरी लंच का टाइम है, हम लोग लंच टाइम पे आए हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको खाना खा। जू बिल्कुल बुरे हाल में है, बिल्कुल कुछ मेंटेनेंस नहीं। देखो ये भी पूरा टूट गया है, पहले सब मेंटेन था, सब टूट गया, इसमें भी जानवर वगैरह रहता था, और ये सब अब कुछ नहीं है। मेरे को तो लग रहा है जानवर, हमको तो शक लग रहा है शेर बाग कुछ है भी कि खत्म हो गया यहाँ से। हाँ तो क्या हुआ था कि बाउंड्री पे बिठा के फोटो खींच रहे थे, और उस टाइम पे कैमरा आता था वो फ्लैश वाला, हाँ। जो आता था रील वाला ना, हाँ। तो उससे बिठा के उसने फ्लैश वाले से फोटो खींचा और ऐसे करके चमका, बस वो बच्चा नीचे गिर गया, फिर वो खा गया। इसलिए उसके बाद से इसमें वो सब जाली वाली लग गया था कि कोई बैठ। लाइन का था केज पहले, मतलब एरिया, लेकिन अब यहाँ पे लाइन भी नहीं है, अब लोग उधर जा रहे हैं। और कुछ दिख जाए तो ठीक है, भालू तो दिखा नहीं, भालू एक्चुअली है वहाँ पे फर्स्ट वाले जो शटर है उसके अंदर बैठा हुआ है, खाना वाना खाने का टाइम होगा शायद, इसलिए खाना खा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। फोटो भी खिंचाना है, डर भी लगता है। हो गया फोटो शूट, हो गया एक अजगर यहाँ है, ध्यान से देखो यहाँ है। तो इसके अंदर लेपर्ड है, लेकिन हम लोग जैसे देखने आए तो अंकल ने उधर बंद कर दिया उसको अंदर करके, पता नहीं क्या ड्रामा है। ये देखो इसको आप भगा क्यों रहे हो अंकल, टाइम हो गया क्या इसका सोने का? ये देखो अंदर चला गया, एक ही है क्या अभी यहाँ पे? और लाइन वगैरह है अंकल? टाइगर टाइगर तो है क्या अभी बंद?
टाइगर केस ब्लॉग्स में आ रहे हो, लिंक तुमको मैंने दे दिया है, सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितने भी यहाँ पे जानवर है सबको बांट देना ठीक है। ठीक है, कोई रिएक्शन तो दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। एक्चुअली क्या कि जो लेपर्ड है उसका टाइम हो गया अंदर जाने का, अंकल ने उसको अंदर भेज दिया, टाइगर को अंदर भेज दिया, लायन है नहीं यहाँ पे, क्रोकोडाइल नहीं है, तो जो बचा है वो देखने के लिए आए, फटाफट जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे भालू बाहर निकला हुआ, देखो भालू निकल गए और वहाँ पे लड़ रहे हैं, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में, एक दूसरे को पटक रहे हैं बस खाली। ये देखो एक उल्टा हो चुका है, एक उसके ऊपर उसको गिरा रहा है इधर से उधर, भालू देखते देखते बीच में बंदर के भी नज़ारे ले लो। गिर मत जाना तुम बस, पता चलेगा जोश जोश में ज़्यादा हो गया। एक्सपर्टीज वो भी सीख रहा है, पलट ना जा। बच्चों के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, उतर जाओ फटाफट, देखते दोनों में से कौन ज्यादा ऊंचा उड़ा पाएगा। अविनाश आप गिरा मत देना दीदी को भी। मम्मी आंधी है ना, सबसे ऊपर अविनाश का रहा, पता चलेगा मैं ऐसे करके बाउंस कर गया। गिरना सर, सब गिरेगा एक साथ। बदला निकाल लो, मैं उतारूंगा, उतारूंगा। अब बताओ, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा तो सीसा नहीं करना है। ये है, मजा आ गया, मजा आ गया, गिरी मजा आ गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मना किया था ना मैंने, बच्चों के लिए जबरदस्ती कर रही है। तो अभी 5:40 हो रहे हैं, हम लोग जू घूम के अभी निकले हैं, तो प्लान ये बनाया कि हम लोग अभी मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। हाँ सर, 5:43 मम्मी ने मारा इसको, एक मिस हो गया कैमरे में नहीं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर क्योंकि एक्चुअली क्या कि मैक्स जो है वो भैया के साथ है, भैया को काम से जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं घर, मंदिर हो सके कल कवर करेंगे। तो आज इस वाले ब्लॉग में सिर्फ जू कवर करेंगे और घर में जाके देखते हैं, आज होलिका है तो और क्या कर सकते हैं आज हम लोग, चलें। देखो कल होली है और होली में बंद रहेगा दारू का ठेका, तो भीड़ देखो दारू के ठेके में कैसा लगा हुआ है, मतलब कि यह लग रहा है जैसे आखिरी दिन है, कल से दारू नहीं मिल रहा है, ऐसा भीड़ है, सब होली की तैयारी चल रही है। ये बड़ी है जो कि मैं आया हूँ यहाँ पे डालने होलिका में, बिल्कुल टाइम पे आ गया, होलिका जल भी चुकी है, तो इसको डालते हैं फिलहाल क्योंकि ये ऐसा ट्रेडिशन है, तो ये फॉलो करना ज़रूरी है। डिनर में आज है कढ़ी चावल एंड पकौड़े, क्योंकि ये बनता है होलिका के दिन, हमारे घर में नियम है बनने का, छोटी होली वाले दिन, छोटी होली या फिर होलिका जो भी बोल लो। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट डे, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल का वीडियो जो है उसकी एंडिंग शूट नहीं करी थी, अभी क्या कि मैक्स घुमाने आए हैं पीछे, वो घूम रहा है। सो आज है 18th of March और यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग 18th को होली मना रहे हैं, कुछ लोग 19th को मना रहे हैं, तो हम लोग शायद 19th को मनाने वाले हैं, और 18th को हर जगह शांति है, यहाँ पे कोई मना नहीं रहा है, और बाकी जगह पे लोग 18th को मना रहे हैं, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद लोग 18th को मनाएंगे और मैं 19th को मना के 20th को होली का ब्लॉग डालूंगा। चलो जो भी है, जैसा भी है, ये जो होली का वाला ब्लॉग है इसको यहीं पर करते हैं ख़त्म, और फिर अभी से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे होली वाला। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।